अररिया नाम तो सुना ही होगा, जहाँ विश्व का सबसे ऊंची काली मंदिर है और बिहार के अररिया से ही हिमालयन रेंज के महान चोटियों में से एक दृश्य भी देखा जा सकता है। तो आज हम उसी अररिया जिले के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अररिया जिला बिहार राज्य के 38 जिलों में से एक जिला है और अररिया जिले का मुख्यालय अररिया शहर में मौजूद है। अररिया जिला पूर्णिया प्रमंडल का एक हिस्सा है, जिसमें 2830 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का क्षेत्रफल है। यहाँ से पर्वत हिमालयन रेंज के महान चोटियों में से एक का दृश्य देखा जा सकता है। इस जिले में कुल 2 उपखंड अररिया और फारबिसगंज एवं 9 प्रखंड है। अररिया उपखंड में 6 प्रखंड अररिया, जोकीहाट, कुसाकाटा, रानीगंज, सिकटी और पलासी है, एवं फारबिस उपखंड में 3 प्रखंड फारबिसगंज, नरपतगंज और भरगामा है। अगर इतिहास की तरफ देखें तो नेपाल की तराई से सटा हुआ ये जिला पहले पूर्णिया का हिस्सा था, जिसे 14 जनवरी 1990 में पूर्ण रूप से जिला बना दिया गया था। ये जिला प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार नेश्वरनाथ रेणु की कर्मभूमि रहा है। अररिया जिले के वर्तमान सांसद श्री प्रदीप कुमार सिंह हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। भौगोलिक दृष्टि से अररिया जिले का क्षेत्रफल 2830 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले का प्रमुख नदियां कोसी, सुआड़ा, काली, परमार और कोली है। अररिया जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करती है। इस जिले का मुख्य कृषि उत्पाद धान, मक्का और जूट है। इस जिले का कुल जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 28,11,569 है। जिले की जनसंख्या घनत्व 993 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001 से 2011 के दशक में इसकी जनसंख्या वृद्धि दर 30% थी। अररिया में प्रत्येक 1000 पुरुषों के लिए 921 महिलाएं के लिंगानुपात है। इस जिले की औसत साक्षरता दर 55.55 है, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। अगर यातायात की बात करें तो ये शहर रेल व सड़क मार्ग के माध्यम से भारत के अन्य शहरों से जुड़ा है, जिससे यहाँ के लोग किसी भी शहर में आसानी से आ जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं अररिया जिले में घूमने फिरने के लिए कुछ मोस्ट फेमस प्लेसेस के बारे में। तो यहाँ पर आप सभी रानीगंज वृक्ष वाटिका, बायो सिटी पार्क, सुंदरी मठ, दोस्ती मेला, ठाकुरवारी मंदिर, काली मंदिर आदि स्थानों को आप यहाँ पर घूम सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।